आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। क्या हुआ? ठीक है, माफ कर दूंगी। मेरे बच्चों का जो बचपन, जो उन्हें अनाथों की तरह गुजारा है, वो लौटा दे। जितना तूने हमें रुलाया है, वो आंसू मुझे वापस दे दे। मैं तुझे माफ कर दूंगी। कर सकेगा ये? तो फिर यहां क्यों खड़ा है? जो हमने खोया है, अगर तू उसे वापस नहीं कर सकता, तो यहां किस मुंह से आया है? निकल यहां से, चल बाहर जा। इसके पहले कि मुझे और गुस्सा आए और इसके पहले कि मानवी यहां आ जाए, निकल यहां से, निकल। नीचे दफा हो। विराट पूरे 5 मिनट से होल्ड पे डाला हुआ है। रिव्यू या फिर कोई कंप्लेंट रजिस्टर करने वाली कस्टमर? I'm so sorry, मानवी। यार मैं सुबह से बहुत बिजी हूँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जब देखो कोई ना कोई आता है। अब ना मैंने नो डिस्टरबेंस का बोर्ड लगा दिया, अब सिर्फ तुम और मैं बात करेंगे। हा? अच्छा बताओ तुम कैसी हो और हमारा बेबी कैसा है? लात वात मार रहा है कि नहीं? अरे अभी थोड़ी ना किक मार सकता, अभी तो 2-3 महीने लगेंगे और तब तक तुम भी वापस आ जाओगे। अच्छा ये बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा चल रहा है? अरे बोला ना बहुत बिजी हूँ, अभी मेरा लुक टेस्ट चल रहा है, उसके बाद शाम को रिहर्सल्स और रात को परफॉर्मेंस। वाओ विराट, काश मैं तुम्हारे साथ होती इस वक्त, बहुत मजा आता ना। आई नो मानवी, बट क्या करूँ, मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ पर लेके भी नहीं आ सकता ना। बट डोंट वरी, जब बेबी हो जाएगा ना, हम तीनों एक बहुत बढ़िया ट्रिप के लिए जाएंगे। ओके सच? यस। मानवी दी, क्या यूनिक फोटो मिली है पुराने एल्बम से, एक बार देखो ना। हाँ हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अभी बाद में दिखाइयो, मैं अभी विराट से बात कर रही हूँ। अरे बहुत अच्छा है, मतलब आपने तो देखा ही नहीं, एक बार देखो तो सही। टब्बू जाए यहाँ से, डिस्टर्ब मत कर। हाँ सॉरी। मानवी दी एक बार देख लो ना, आप एक बार इस फोटो को देख लो, मुझे समझ में। मानवी दी फोटो डिस्टर्ब मत कर, मानवी दी एक बार देख लो ना, जब देखो दिमाग खाने नहीं, बातें कर रही हूं। मानवी दी मेरी बात तो सुनो, क्या आप हमेशा मुझे डब्बे का डब्बा ही समझोगी क्या? कभी तो मुझे सीरियसली लिया करो। हाँ विराट अब बोलो। क्या हुआ? डब्बू क्या बोल रहा था, कोई इंपॉर्टेंट बात? अरे कुछ नहीं कह रहा था, जब देखो आज ऐसा दिमाग चाटने, कोई फोटो दिखा रहा था मुझे, कोई पुरानी, वो तो मैं बाद में भी देख सकती हूँ, पर अभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। अच्छा ये बताओ क्या मस्ती चल रही है वहाँ पे? तुम्हारे बिना क्या मस्ती मानवी, मैं तो बस तुम्हें मिस कर रहा हूँ, दिन गिन रहा हूँ कब वापस आऊं तुम्हारे पास। मेरा पूरा दिन भी तुम्हारे इंतजार में कटता है विराट। I love you. Love you too, मानवी. Bye. Bye. डॉक्टर आज मोंटी अंकल नहीं दिखाई दे रहे। पता नहीं उनका आज का अपॉइंटमेंट तो था, अभी तक आया नहीं। हे गंगा मैया, मैं उम्मीद करती हूँ मॉन्टी अंकल की फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया।
मोंटी अंकल का तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, आखिर है कहाँ वो? और उनके घर का भी एड्रेस मेरे पास नहीं, कैसे पता लगाऊंगी उनके बारे में? एक्सक्यूज मी मिसेस वदेरा, मोंटी जी ने आपके लिए ये लेटर दिया है। ओह थैंक यू। वेलकम। पिज़्ज़ा गर्ल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मुझे नहीं मालूम, पर तुम्हारी कौवे वाली कहानी सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला फिर से वापस आ गया। आज मैं फिर से अपने घर जा रहा हूं, अपनों से मिलने। पता नहीं वो लोग मुझे मिलकर कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। उनसे मिलने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। हे भगवान, मोंटी अंकल की बिगड़ी किस्मत संवार दो, उनको अपनों से मिलवा दो। ख्वाहिशें बेहिसाब हैं, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने तीन जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की चार दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी। रूही, अरमान और अभीरा, वक्त तीन जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। अरे इतने सारे लड्डू किसके लिए? मोतीचूर के लड्डू हैं बीजी, मानवी को बहुत पसंद है। मैंने सोचा अस्पताल से आने से पहले मैं बना के रख दूं, बस आती ही होगी अभी। लेकिन एक दिन तुझे एहसास जरूर होगा, लेकिन तब तक मत बेरोज बेरोज फिर अपना नाक रगड़ते हो यहाँ पे मत आना, क्योंकि आज से बल्कि अभी से तू हमारे लिए मर चुका है और हम तेरे लिए मर चुके हैं। या बड़ी हिम्मत करके आपके पास आया हूं मैं, अपने हर गुनाह हर गलती की माफी मांगने। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकती हैं पीछे, लेकिन मैं अब आप लोगों से दूर नहीं रह सकता पीछे। लेकिन तुम हो कौन? नहीं जानती मैं तुम्हें। मैं महेश हूं पीछे, आपका बेटा, आपका खून महेश। खबरदार, खबरदार जो मुझे बीजी कहा। बीजी कहने का हक सिर्फ मेरे बच्चों का है। इस पूरी दुनिया में मेरा एक ही बेटा है मदन, उसके अलावा कोई नहीं है। तुम जो भी हो निकलो यहां से, ना ही मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं और ना ही तुम्हारी बात सुनना चाहती हूं। निकलो, निकलो यहां से, दफा हो, दफा हो जा। क्या कह रही हो तू? एक बार सुन, तूने वो क्या कहना चाहता है? नहीं बीजी, मुझे किसी की दलील नहीं सुननी है। जिस दिन ये अपनी बीवी, अपने दो मासूम बच्चे हमको छोड़कर गया था, हम सबको छोड़कर गया था, क्या उसने हमारी कोई भी बात सुनी थी? वो दिन मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। इस पापी की वजह से इस घर ने कितनी तकलीफें उठाई है, क्या क्या खोया है, मुझे सारी बातें अच्छी तरह याद है बीजी।
जीविका और मानवी को अनाथ बनाया है इसने। हमें जिंदगी भर का दर्द देकर खुद निकल गया ना अयाशी करने। तब जब इसको हमारा ख्याल नहीं आया, इसने हमारी एक बात नहीं सुनी, तो आज मैं इसकी बात क्यों सुनू बीजी, क्यों? अरे लानत है तुझ पर, किस मुंह से माफी मांगने आया यहां? इस वक्त जितनी जरूरत आपको इस इलाज की है, उससे कहीं बढ़कर अपने परिवार की, अपनों की। मेरी विनती है आपसे, प्लीज अपनी फैमिली से जाकर मिलिए, अपनों से बढ़कर कुछ नहीं होता है अंकल। जी मानता हूं आपने जो कुछ भी कहा सब सही है, अब जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता ना, कम से कम मुझे अपने गुनाह का प्रायश्चित करने दीजिए, एक बार मुझे माफ कर दीजिए बीजी। ठीक है, माफ कर दूंगी। मेरे बच्चों का जो बचपन जो उन्हें अनाथों की तरह गुजारा है भूल लौटा थे, जितना तूने हमें रुलाया है वो आंसू मुझे वापस दे दे, मैं तुझे माफ कर दूंगी। कर सकेगा ये? तो फिर यहां क्यों खड़ा है? जो हमने खोया है अगर तू उसे वापस नहीं कर सकता तो यहां किस मुंह से आया है? निकल यहां से, चल बाहर जा। इसके पहले कि मुझे और गुस्सा है और इसके पहले कि मानवी यहां आ जाए, निकल यहां से, निकल नीचे। दफा हो। कैसे पता लगा ये मेरा घर है? अरे और ये लड्डू बीजी, लड्डू कैसे गिर गए? अरे बेटा वो दरवाजा खोलने गई थी ना तो हाथ से थाल गिर गई। ओ अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैंने उठा लेती हूँ जल्दी से। कोई बात नहीं, चल। मोंटी अंकल मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आप मेरे घर। वैसे अंकल आप मेरी बीजी से तो मिल ही चुके होंगे, वो मूंग की दाल के पराठे और पुलाव इन्होंने ही बनाए थे। ये खाना मेरी बीजी ने बनाया हो तो सोने पे सुहागा। कैसा लगा अंकल? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरी बीजी बनाती थी। ओहो, मतलब ये राउंड टाई हो गया। हम दोनों की बीजी सेम टू सेम खाना बनाती है। और बीजी, बड़ी बीजी चाची, ये है मेरे मोंटी अंकल जिनके लिए मैं रोज खाना लेके जाती हूँ। बाय द वे अंकल, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता लगा? बेटे बेटे मुझे मालूम नहीं था कि तुम महेश की बेटी हो। दरअसल महेश, दरअसल महेश और मैं बचपन के दोस्त हैं। हाँ बेटे, हम इसी मोहल्ले में पल के बड़े हुए हैं, इसी गली में। मैं यहीं था
तो सोचा कि महेश की फैमिली से मिलता हुआ चलूं। वाओ अंकल, ये तो सुपर माइंड ब्लोइंग इत्तेफाक है। मतलब आप मेरे पापा के भी दोस्त और मेरे भी दोस्त। यस अंकल, इसी बात पे एक झप्पी तो बनती है। मैं कभी अपने पापा को तो गले से नहीं लगा पाई, पर आपको तो लगा सकती हो ना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।